हेलो एवरीवन, आज हमारे पास है रॉयल एनफील्ड 450 यानी रॉयल एनफील्ड हिमालयन 2.0 और पुरानी वाली हिमालयन जो अभी तक चलते आ रही हिमालयन 411। आज इन दोनों गाड़ी को हम कंपेयर करने वाले हैं और मैं आपको बताऊंगा एट द एंड ऑफ द वीडियो कि आपको कौन सी गाड़ी के साथ जाना चाहिए, क्योंकि अभी अगर सारे आप डीलर्स के पास देखोगे तो दोनों ही गाड़ी आपकी अवेलेबल है। आपको ये थोड़े कम प्राइस में मिलती है और ये वाली थोड़ी ज़्यादा प्राइस में मिलती है, बट यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें ऐड ऑन कर दी गई है कंपनी की तरफ से और यहाँ पे आपको वही जो आपको हिमालयन मिलती थी वो है। सबके बारे में बात करने वाले हैं, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है दोनों ही हिमालयन, मतलब हिमालयन 411 और एक साइड में हमारी हिमालयन 450 या फिर हिमालयन 2.0। अब मैं आपको इसका जो बेसिक जो चीज़ है ना, पहले मैं आपको वो बताता हूँ। पहले आप इसकी डिज़ाइन को देखो। फ्रंट्स अगर आप देखोगे तो आपको 100% जो नई वाली हिमालयन है वो आपको थोड़ा ज़्यादा बल्कि दिखेगी, क्योंकि यहाँ पे इसकी ये वाली जो आप गार्ड्स देख रहे हो ना, ये इस वजह से और प्लस इसके जो टैंक की डिज़ाइन है उस वजह से, क्योंकि इसकी टैंक अब आपको थोड़ा ज़्यादा मस्कुलर और ज़्यादा थोड़ी चौड़ी टैंक देखने को मिलती है। वहीं अगर हम कंपेयर करें विद दिस वन, मतलब जो पुराने वाली हिमालयन उससे, तो यहाँ पे आपको जो प्लेन जो आपको कैर मतलब जो ये गार्ड है वो यहाँ पे देखने को मिलती है टैंक गार्ड, और प्लस यहाँ पे आपके जो टैंक की जो डिज़ाइन है वो आपकी कम्प्लीटली डिफरेंट है, मतलब उस वाले से एंड इस वाले से। मतलब अगर आपको मैं इस एंगल से दिखाऊं तो आप एक ओवरऑल एक अंदाज़ा लगा सकते हो कि भाई ये वाली टैंक आपको थोड़ा चौड़ी देखने को मिलती है एंड ये आपकी थोड़ी स्लीक सी डिज़ाइन है के साथ जो टैंक है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। अब अगर पीछे आ ही गए तो भाई पीछे से बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपको मिलती है नो टेल लाइट्स, यहाँ पे मिलती है आपको टेल लाइट्स। अब भाई आप मुझसे ये पूछोगे कि भाई इसमें नो टेल लाइट्स, ये क्या बोल रहा हूँ मैं? नहीं भाई, बता रहा हूँ काफ़ी स्मार्टली इंटीग्रेटेड करा गया है इसके टेल लाइट्स को। इसको इंटीग्रेट किया है इसके इंडिकेटर्स में। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसकी जो टेल लाइट है वो इसके इंडिकेटर में ही इंटीग्रेटेड है, और जैसे मैं आपको इसकी इंडिकेटर उससे मैं भी अगर ऑन करूँ तो यहाँ पे इसकी जो बीच वाली लाइनिंग है ना वो आपको एज अ इंडिकेटर काम करती है। तो कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट आपको निकाल के आया है हिमालयन 450 में। वहीं यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको वही बेसिक सी जो टेल लाइट LED टेल लाइट्स वो मिलती है, साथ में आपको दोनों तरफ जो हेलोजन इंडिकेटर्स है वो यहाँ दे दी गई है। अब एक डिफरेंस यहाँ पे ये भी है कि आपकी इसमें आपको जो प्रॉपर LED हेडलाइट्स है, LED सेटअप है, ओवरऑल इंडिकेटर्स हेडलाइट्स वो आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, एंड यहाँ पे आपको हेलोजन जो इंडिकेटर्स है वो यहाँ पे देखने को मिलती है विद हेलोजन हेडलाइट्स। अब यहाँ पे अगर मैं आपको बात करूँ इन दोनों गाड़ी की सीटिंग कंफर्ट के बारे में, तो दोनों गाड़ी की जो सीटिंग कंफर्ट है ये यहाँ पे आपको थोड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगी। अगर आप यहाँ पे इस वाले सीट को देखो तो ये आपको थोड़ी सी पतली सीट आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। वहीं अगर आप इसके नए वाले हिमालयन 450 की तरफ देखोगे तो ये आपको थोड़ी चौड़ी सीट देखने को मिलती है, जो कि आपको काफ़ी अच्छा जो सपोर्ट है वो यहाँ पे मिलती है आपके बम को, और काफ़ी आप इससे गाड़ी को आराम से जो लॉन्ग राइड्स है उससे आप इसे आराम से कर सकते हो इस वाली गाड़ी के साथ, एंड उसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब राइडिंग कंफर्ट के बारे में बात हो रही है तो मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि नए वाले हिमालयन को चलाने में और पुराने वाले हिमालयन को चलाने में जैसे ही आप सडन डिफरेंस जो पता है ना वो आप यहाँ पे पता कर पाओगे एंड बता पाओगे, क्योंकि जो नई वाली जो हिमालयन वो आपको ज़्यादा रिफाइंड प्लस एक जो राइडिंग पोस्चर है वो आपको ज़्यादा इन्हांस होते हुए आया, काफ़ी कंफर्टेबल जो राइडिंग पोस्चर है वो यहाँ पे आपको मिलता है। और वहीं यहाँ पे अगर पुराने वाले हिमालयन की बात करी जाए तो देखो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपको राइडिंग पोस्चर गलत मिलती है या फिर राइडिंग कंफर्ट यहाँ पे आपको नहीं देखने को मिलती है, बट ओवरऑल अगर मैं आपको दोनों को कंपेयर कर रहा हूँ ना तो यहाँ पे आपको राइडिंग कंफर्ट आपको नए वाले हिमालयन में ज़्यादा अच्छी देखने को मिलती है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं इन दोनों गाड़ियों के इंजन के बारे में, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मेजर जो डिफरेंस है वो इसके इंजन में देखने को मिलता है। 411cc की एयर वाइल्ड गोल्ड इंजन जो कि 24.8 BHP की पावर एंड 32 Nm का जो टॉर्क है वो आपको मिलती है विद 5-speed ट्रांसमिशन। यहाँ पे आपको चीज़ें जो है वो कम्प्लीटली चेंज हो गई है, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलती है 452cc की इंजन जो कि लिक्विड कूल्ड है, अगेन ज़्यादा रिफाइंड है पुराने वाले जनरेशन से, प्लस यहाँ पे आपको 40 BHP की पावर एंड 40 Nm का जो टॉर्क है वो मिलती है। अब दोनों ही गाड़ियों में आपको ऑलमोस्ट इसमें आपको जस्ट दुगना जो है अप्रॉक्स दुगना जो आपको पावर है वो मिलता है, एंड उसे आप इस जैसे ही आप इस गाड़ी को चलाओगे ना वो आपको सडनली जो यहाँ पे चीज़ है वो यहाँ पे आपको फील हो जाएगी। इवन जो कलर स्कीम आप देख पा रहे हो ना, कलर स्कीम इस वाली गाड़ी की थोड़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रखी गई, क्योंकि यहाँ पे आपको ये वाली जो नई जो स्टिकरिंग वगैरह आप देख रहे हो जो हिमालयन लिखा हुआ है उससे यहाँ पे आपको कम्प्लीटली जो डिफरेंस है वो यहाँ पे आपको मिलेगा, क्योंकि आपको प्लेन टैंक मिलता है जस्ट विद सम कॉस्मेटिक यहाँ पे आपको जो डिटेलिंग है उसके साथ। अगर मैं आपको सबसे एक और जो मेजर चीज़ बताऊँ तो ये वो है इसके स्पीडोमीटर कंसोल। पुराने वाले में आपको कम्प्लीटली जो एनालॉग स्पीडोमीटर कंसोल है वो मिलता था, एंड यहाँ पे आपको कंपास भी मिलता था, मतलब एनालॉग प्लस डिजिटल का यहाँ पे आपको जो मिक्सर है वो यहाँ पे देखने को मिलता था। स्विच गियर्स की जो क्वालिटी है, जो एक जो स्टाइलिंग है वो आपको कुछ इस टाइप से यहाँ पे आपको देखने को मिलती थी, बट यहाँ पे नए वाले हिमालयन के साथ ऐसा नहीं है। नए वाले हिमालयन के साथ यहाँ पे आपको मिलता है फुल्ली डिजिटल स्पीडोमीटर कंसोल, जो कि अगेन काफ़ी ज़्यादा टन्स ऑफ फीचर्स के साथ आता है, काफ़ी टन्स ऑफ इन्फॉर्मेशन के साथ आता है, एंड राइडर से रिलेटेड यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऐसे इन्फॉर्मेशन है जो डे टू डे लाइफ में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं आपको जो नेविगेशन सिस्टम है वो आपको इसमें इंटीग्रेटेड है। यहाँ पे आपको जो चीज़ें वो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग निकल के आ रही है, राइडिंग मोड्स वगैरह पे आपको देखने को मिलते हैं।
हालांकि रॉयल एनफील्ड 450 की कंप्लीट डिटेल्ड वॉक अराउंड रिव्यू वीडियो जो है वो आपको मिल जाएगी हमारे चैनल पे, यहाँ पे आई बटन पे उसका लिंक आ रहा होगा, तो आप लोग जाके वो वाली वीडियो देख सकते हो, क्योंकि उस वाले वीडियो में मैंने और कम्प्लीटली डिटेल्ड में जो चीज़ें हैं वो वहाँ पे डिस्कस करी है, पॉजिटिव नेगेटिव सबके बारे में। प्लस यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपकी जो स्विच गेस की जो ओवरऑल जो डिज़ाइनिंग है वो आपको कम्प्लीटली चेंज है पुराने वाले हिमालयन से। प्लस यहाँ पे आपको मैं और चीज़ बोलूँ ना, थोड़ा अप मार्केट और थोड़ा एक जो फ्यूचरिस्टिक जो डिज़ाइन है वैसा कुछ हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। प्लस यहाँ पे अगर एक चीज़ मैं आपको जस्ट एक छोटी सी बात बोलूँ तो यहाँ पे हो सकता है कि कुछ टाइम चलने के बाद ये वाली जो अभी जो फीलिंग आ रही है ना, जैसे टक्टाइल जो फीलिंग है, क्लिक क्लिक वाली जो ये जो फीलिंग आप सुन रहे हो ना, क्लिक क्लिक वाली, ये थोड़ी सी हो सकती है वहाँ पे थोड़ा जाके लूज़ हो जाए, तो वो सारी चीज़ें बाकी हालांकि यहाँ पे आपको एज सच कोई भी जो प्रॉब्लम है वो आपको यहाँ पे नहीं देखने को मिलते। शोवा के सस्पेंशन आपको इसमें लगे हुए हैं एंड यहाँ पे आपको मिलता है USD फोक्स, जो कि भाई देखो अगेन पुराने वाले हिमालयन से यहाँ पे जो सस्पेंशन सेटअप उसमें भी चेंजेस करे गए हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको मिल जाता है USD फोक्स, जो कि अगेन सस्पेंशन सेटअप के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे चेंजेस करे गए हैं। अब यहाँ पे रियर साइड में आपको एक और चीज़ बोलूँ तो यह आप जो दोनों टायर्स देख रहे हो ना, तो नए वाले हिमालयन में आपको मिलती है 140/80/17 जिसके आपको टायर्स, और यहीं अगर पुराने वाले हिमालयन के बारे में बात करी जाए तो यहाँ पे आपको 120/90/17 जिसके जो टायर्स है वो मिलते थे। इवन जो फ्रंट डिस्क ब्रेक है उसकी जो अगर मैं एक प्रॉपर डायमीटर के बारे में बात करूं तो 320mm की जो डिस्क है वो आपको नए वाले में मिलती थी एंड पुराने वाले में आपको 300mm की जो डिस्क ब्रेक्स है वो यहाँ पे आपको मिलती थी। ओवरऑल डिज़ाइन को भी अगर आप देख रहे हो ना तो भाई देखो डिज़ाइन मुझे नए वाले की ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी। अगर आप साइड लुक भी अगर आप लोगे ना दोनों गाड़ियों का, तो भाई दोनों गाड़ियों की साइड लुक आपको अगेन कम्प्लीटली जो एक आपका जो एक काटा है वो नए वाले हिमालयन की तरफ जाएगा, और ये मैं दावे के साथ आपको कह सकता हूँ। प्लस यहाँ पे हर एक चीज़ चेंज करा गया, जैसे आप इसके साइलेंसर को भी देख सकते हो, ये जो एग्जॉस्ट है ना, ये एग्जॉस्ट आपको थोड़ी बड़ी देखने को मिलती है, इवन थोड़ा लो है, बट वहाँ पे अगर इस वाले एग्जॉस्ट की तरफ देखा जाए तो ये थोड़ी सी आपको पतली छोटी क्यूट सी आपकी जो एग्जॉस्ट नोट है वो आपको मिलती है, बस थोड़ा सा अपराइट है ताकि आपको अच्छा खासा ग्राउंड क्लियरेंस है वो भी आपको यहाँ पे आराम से ये कंपनी निकाल के दे पाए। एंड अगर मैं आपको एक और चीज़ बोलूँ ना, तो यहाँ पे आप इसके रियर सस्पेंशन को देख सकते हो, ये आप रियर सस्पेंशन की ये वाली एंगल को देखो, हालांकि दोनों में ही आपको मोनोशॉक देखने को मिलती है, बट चीज़ें डिफरेंस कहाँ पे आ जाती है मैं आपको दिखाता हूँ। और जैसे ही आप अगर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा इंक्लाइन जो सस्पेंशन है वो मिलता है, एंड अगेन ये वाली जो चीज़ें हैं वो इसको बना देती है भाई, सस्पेंशन में भी गाड़ी को काफ़ी ज़्यादा अपग्रेड है वो यहाँ पे करा गया है। वो चीज़ें जब आप इस गाड़ी को चलाओगे, जब इस गाड़ी को ऑफ रोडिंग लेके जाओगे, तो वो चीज़ आपको कम्प्लीटली जो वहाँ पे पता चलने वाली वो बात ही है। सो ये तो सारी जो चीज़ें जो बेसिक जो चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी कि आपको नए वाले हिमालयन 450 में एंड पुराने वाले हिमालयन 411 में आपको क्या क्या चेंजेस है। एंड इसे ये गलत नहीं कहना होगा कि भाई जो हिमालयन 450 है वो हिमालयन 2.0 भी हम इसे बुला सकते हैं, या फिर रॉयल एनफील्ड 2.0 भी हम इसे बुला सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे जो इंटरेस्टिंग चेंजेस है वो यहाँ पे रॉयल एनफील्ड ने करे अपने नए वाले हिमालयन 450 के साथ। अब चलिए दोनों गाड़ी को आपको जो एग्जॉस्ट नोट है मैं वो वन बाय वन करके सुना देता हूँ, ताकि आपको जो एक प्रॉपर अंदाज़ा है वो लग पाए कि इसके इंजन चेंज होने की वजह से इसकी जो ओवरऑल जो एग्जॉस्ट नोट है उस पर आपको कितना फ़र्क पता चला है। चलिए पहले हिमालयन पुराने वाले हिमालयन को स्टार्ट करते हैं। अब हमें स्टार्ट करते हैं यहाँ पे नई वाली हिमालयन को। मुझे पता है कि आप लोगों को एक जो प्रॉपर जो डिफरेंस है वो यहाँ पे पता चल गया हो, बट अगर नहीं पता चला तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि भाई नए वाली हिमालयन के जो एग्जॉस्ट नोट है वो इंजन चेंज होने की वजह से और थोड़ा एक बेसी और थोड़ा जो एक ग्रंट आपको मिलता है ना एग्जॉस्ट नोट से वैसा आपको यहाँ पे देखने को मिला है। और भैया पुरानी हिमालयन की भी आपको जो एग्जॉस्ट नोट है वो आपको बहुत प्यारी एग्जॉस्ट नोट आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। सो गाइज आई होप कि आपको इस वाले वीडियो से एक प्रॉपर एक आपको एक अंदाजा मिल गया होगा कि आपको नए वाले हिमालयन के साथ जाने चाहिए या फिर पुराने वाले हिमालयन के साथ, क्योंकि दोनों ही गाड़ियों में आपको जो एक डिफरेंस है वो मेजर डिफरेंसेस यहाँ पे कंपनी ने करे हैं। और भाई देखो हिमालयन 2.0 अपनी ये हुई और हिमालयन अपनी ये वाली हुई, तो ये दोनों गाड़ियों आपको जो अपने शोरूम है वो आपको नियरेस्ट डीलर के पास आपको मिल जाएंगे रॉयल एनफील्ड के पुणे से हो भाई, दोनों रॉयल एनफील्ड की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर आपको ये वाली गाड़ी देखनी है दोनों तो आप आके यहाँ पे देख सकते हो। बाकी इस वाली की गाड़ी की मैंने कंप्लीट डिटेल रिव्यू आपको बना रखी है, अगर आप लोग को वो वाली भी वीडियो देखनी है मैं आई बटन पे उसका लिंक दे दूंगा, जाके वो वाली वीडियो देखना, क्योंकि उस वाले वीडियो में मैंने काफ़ी डिटेल्ड में जो चीज़ें हैं वहाँ पे डिस्कस करा है, प्लस पॉजिटिव नेगेटिव के बारे में भी मैंने वहाँ पे बातें करी है, ताकि आप लोग जो प्रॉपर डिफरेंसेज हैं
और एक जो प्रॉपर नॉलेज है वो आपको यहाँ पे पता चल पाए। एंड अगर आप लोग प्लान कर रहे हो हिमालयन लेने का, तो आई विल डेफिनेटली सजेस्ट यू कि भाई आप थोड़े पैसे डाल के नए वाले हिमालयन के साथ जाओ, क्योंकि ओवरऑल बस थोड़े से प्राइस डिफरेंस पे, थोड़े से प्राइसेस पैसे और देने के बाद आपकी जो गाड़ी है वो आपको कम्प्लीटली न्यू फीचर्स के साथ आपको यहाँ पे मिलेगी। बाकी अगर आपकी बजट एकदम थोड़ा लिमिटेड है तो आप पुराने वाले हिमालयन के साथ जा सकते हो। दोनों ही गाड़ी अपनी जो सेगमेंट किंग है भाई, दोनों सेम गाड़ी। सो दिस वाज द वीडियो गाइस, आई होप आपको वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद है प्लीज लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना, इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करना गाइस, वहाँ पे आपको डेली अपडेट्स मिलते रहते हैं। तब तक के लिए कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ। दिस इज एचएम मोटर साइनिंग ऑफ।